माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे और अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। सो स्वागत है आप सभी का द रॉयल फूडी के एक और नए व्लॉग में। सो लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा कि मैं गया था चौधरी स्वीट्स पे गोहाना जलेबी खाने। तो अभी का स्केड्यूल ये है कि मैं फिर से जा रहा हूँ गोहाना जलेबी खाने, मगर इस बार सेक्टर 31 में। जी हाँ, सेक्टर 31 में जा रहा हूँ मैं गोहाना जलेबी खाने के लिए। तो आइए चलते हैं वहाँ पे और दिखाता हूँ मैं आपको कैसे मेकिंग है गोहाना जलेबी की, और करते हैं उस बढ़िया सी गोहाना जलेबी को टेस्ट। मौसम का है जो, तो जी मौसम का तो मैं अपडेट दे देता हूँ आपको। अभी बढ़िया मौसम हो रहा है, बिल्कुल ना गर्मी है ना ठंड है, मतलब तो जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है ना, जिसमें आपको मतलब घूमने में बाहर मजा आता है। तो आज इसी मौसम में मैं निकल पड़ा हूँ अपनी नई कोई जगह एक्सप्लोर करने। मगर पहले हम जो है अपनी गाड़ी को पार्क कर लेते हैं। तो जी आज मैं आया हूँ चौधरी गोहाना जलेबी पे, जो सेक्टर 31 की मार्केट में है, और इनकी स्पेशलिटी है गोहाना जलेबी। जी हाँ, गोहाना जलेबी, जो कि जलेबी नहीं जलेबा होता है, साइज में बहुत बड़ा होता है। तो क्या नाम है भैया आपका? मोनू डागर भाई। मोनू डागर जी, और कहाँ से हैं आप? मैं रोहतक से हूँ। रोहतक से हो, और मतलब ये जो आपकी गोहाना स्वीट्स, जो गोहाना की जलेबी जो मिलती है यहाँ पे, वो कितने ग्राम की होती है? लगभग 250 ग्राम की होती है। लगभग 250 ग्राम की। और कहाँ पड़ती है अपनी शॉप, अगर कोई आना चाहे तो? सेक्टर 31 गुड़गांव मेन मार्केट। सेक्टर 31 की गुड़गांव की मेन मार्केट में। तो गोहाना जलेबी की मतलब क्या हिस्ट्री है, कहाँ से शुरू हुई थी ये? थोड़ा मैं तो इसका ये देसी घी की है भाई। देसी घी की है और ये 10 दिन भी खराब नहीं होती। 10 दिन तक खराब नहीं होती। खराब भी नहीं होगी। और नक्कर इसका, और इसका जो कंसेप्ट है वो मतलब बेसिकली सोनीपत के पास गोहाना से आया था। हाँ जी। और आज के टाइम हर जगह मिलती है, हर जगह मिलती है, और गुड़गांव में भी कई जगह मिलती है। गुड़गांव में भी, 31 में भी है, बहुत फेमस चीज़ है। और आप अपना जो है मतलब जोमेटो और स्विगी दोनों पे अवेलेबल है? हाँ, ऑनलाइन भी सब। ये है जी मेन्यू यहाँ का, और अभी अपनी गोहाना जलेबी की प्रिपरेशन शुरू हो रही है। मैंने एक गोहाना जलेबी ऑर्डर की है, तो भैया उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं। जो इनका खुद का तैयार किया हुआ बैटर है, उसे भैया पाइपिंग बैग में डाल रहे हैं। और ये लो जी अपनी गोहाना जलेबी स्पेशल प्योर देसी घी में अब सिक रही है, और धीमी आंच पे सिक रही है, ताकि बिल्कुल जो इसका क्रंचीनेस है वो पूरी जलेबी में रहे, जलेबी कहीं से भी कच्ची ना हो। तो इसको मंदी आंच पे हल्के हल्के से सिकने देंगे, जब तक कि इसका कलर जो है गोल्डन ना हो जाए। ये देख सकते हैं आप, ये नॉर्मल जलेबी का साइज़ है, और जो गोहाना जलेबी का साइज़ है वो अराउंड 250 से 300 ग्राम की होती है। बट ये जलेबी जो मैंने लगवाई है, ये थोड़ी बड़ी है साइज़ में, और वेट में कम से कम आधा किलो की जलेबी है ये। और ये लो जी हमारी जलेबी अच्छे से सिक चुकी है और गोल्डन हो चुकी है। अब बारी आती है हमारी जलेबी की चाशनी में जाने की। वाह, अब इसे मीठी मीठी चाशनी में डुबो दिया गया है अच्छे से, ताकि जो ये क्रंची जलेबी है ये इस चाशनी को, चाशनी के रस को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ले और इसकी तरह बिल्कुल मीठी हो जाए। सो अब बारी आती है इसके बाहर निकालने की। और जी अपनी गोहाना जलेबी जो है बिल्कुल तैयार है, और अब इसे डालते हैं प्लेट में और अब करते हैं इसे टेस्ट। तो आइए अब करते हैं अपनी गोहाना जलेबी को टेस्ट। साइज़ आपको दिख ही रहा होगा, पूरी बड़ी आधा किलो की जलेबी है ये, बिल्कुल चाशनी में अच्छे से डूबी हुई है, बिल्कुल गर्मा गर्म जलेबी है ये। आइए,
जलेबी जो है अपनी क्रंचीनेस के लिए जानी जाती है, मतलब बिल्कुल कच्ची नहीं होती, कड़क सी होती है और बिल्कुल रसीली होती है, जैसे कि ये बिल्कुल है। भाई वाह, बिल्कुल शुद्ध देसी घी में बनी हुई जलेबी, मज़ा आ गया खा के। मैं आप सबको यही सजेस्ट करूँगा, जो भी गुड़गांव में हो एक बार ज़रूर विजिट कीजिए। सेक्टर 31 में लोकेशन और GPS लोकेशन मैं दोनों डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, कॉन्टैक्ट नंबर भी डाल दूँगा ताकि आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये लीजिए बढ़िया जी गुआना जलेबी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि मेरी नई नई वीडियोस आप सबको मिलती रहें। सो मिलते हैं अब जल्दी ही नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।